अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप सब लोगों को बहुत 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 रमज़ान मुबारक हो। अल्लाह ताला इस रमज़ान आप लोगों की इबादतें कबूल करे, आप लोगों के रोज़े कबूल करे, एंड मे दिस रमज़ान बी वेरी वेरी ब्लिसफुल, पीसफुल एंड जस्ट व्हाट यू एक्सपेक्टिंग इट टू बी। तो आज पहला रोज़ा है और अभी सहरी का टाइम हो गया है। मैं इतना विस्पर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अली हम सभी सो रहा है बाहर। मुझे अम्मा और हमना की आवाज़ें आई हैं तो मैंने बोला ज़रा मैं भी जाके लेडीज़ पार्टी ज्वाइन करूँ और हम लोग ज़रा सहरी बनाने की तैयारी शुरू करें, तो आप लोगों को भी दिखाते हैं। अच्छा जी, तो अभी 3:30 हो रहे हैं, मेरा रोज़ा बंद होगा 4:45 पे, ठीक है ना। मैं सहरी में खा रही हूँ चपाती और स्क्रैम्बल्ड एग्स। अली का जो है कल बीफ कीमा बना था तो उसने नहीं खाया था, तो ही सेइंग कि वो चपाती के साथ खाएगा सहरी में। एंड और भी एक दो चीज़ें, डैडी नॉर्मली दही खाते हैं। हम लोगों को इतना सडनली पता चला कि रोज़ा हो गया कि हमें टाइम ही नहीं मिला तैयारी करने का, तो फेनी नॉर्मली हम लोग लाते हैं, फेनी भी खाते हैं, तो वो नहीं ला सके, तो वो इंशाल्लाह आज जाके लाएंगे। और इस रमज़ान इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं इफ्तार में जो भी रेसिपीज़ बनाऊंगी डाइट फ्रेंडली, उन सब की रेसिपीज़ डालूंगी। सो रमज़ान इज़ अ वेरी हैपनिंग मंथ इन टर्म्स ऑफ रेसिपीज़, तो मैं रोज़ जो है कुछ मज़े का नया सा बनाती हूँ, तो वो बनाऊंगी मैं और आप लोगों को भी सिखाऊंगी क्या क्या बना रही हूँ, साथ में कैलोरीज मैक्रो सब बनाऊंगी। मैं कोशिश कर रही हूँ कि इस रमज़ान कम से कम मैं 5 किलो लूज़ करूँ। राइट नाउ आई एम अबाउट 69 kgs, सो आई वॉन्ट टू बी एट लीस्ट 64-65 टिल ईद, क्योंकि फिर उसके ईद के फ़ौरन बाद मुझे ट्रैवल करना है एंड आई वॉन्ट टू बी अ लिटिल फिट बिफोर आई ट्रैवल फॉर द समर। अभी मेरा नाश्ता है 2 whole eggs, 2 egg whites स्क्रैम्बल्ड इन 10 grams ऑफ बटर और चपाती। कैसी लग रही है आपको पहली सहरी बनाते हुए, कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है, रमज़ान की यादें ताज़ा हो रही हैं। यादें ताज़ा हो रही हैं और खुशी होती है रमज़ान जब आता है तो। भाई हमारी चपाती मास्टर हमारी चपातियां बनाने के लिए तैयार है। ये मेरे अंडे, इनकी मैं सर्दियाँ निकालूँ और इनको स्क्रैम्बल करूँ। मेरे स्क्रैम्बल्ड एग्स बन रहे हैं, ये हमना के बॉयल्ड एग्स बन रहे हैं। ये किसकी चपाती बन रही है? हमारी, मेरी चपाती बन रही है। हर घर का जो है ना अपना अपना ट्रेंड होता है और हर कोई जो है अपने हिसाब से सहरी इफ्तारी करता है। हमारे घर में ये होता है कि सब सहरी बना के जो है अम्मा रख देती हैं सबकी, सब अपने अपने टाइम से उठते जाते हैं और करते रहते हैं सहरी। मैं, अम्मा और हमना जो है ना नॉर्मली सब साथ करते हैं तीनों, फिर एक टाइम पे जो है क्या कहते हैं अली उठता है, फिर उमर उठता है, फिर डैडी बिल्कुल एंड टाइम पे उठते हैं और बोलते हैं बिस्तर में मुझे बस दही ला दो, छा 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 खाते हैं और बस अजान हो जाती है, और एक एंड टाइम पे सब ऐसे पानी पी रहे होते, तो बहुत ही हबड़ दबड़ होता है। लेकिन मैं, अम्मा और हमना आराम से बैठ के सहरी करते हैं। इसका पराठा बन रहा है, ये कम ऑयल का हमजा का पराठा विद कीमा। हमजा को छोड़े ना, आप अपना बनाएं ताकि हम तीनों साथ बैठ के सहरी करें, वो तो पता नहीं कब उठेगा। अच्छा फिर बना लो उसका। अच्छा चलो ठीक है। मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा फ्राई अंडा बनाया जर्दी तोड़े बगैर, और वो आपके लिए, आप इतनी खुशकिस्मत हैं। और बड़ा ज़बरदस्त बनाया है, मेरे हाथ का फ्राई अंडा मिला आपको जर्दी तोड़े बगैर। ये मेरा नाश्ता तैयार है। अंडा पराठा कबाब उमर खा रहा है, पराठा ऑमलेट और मेरा स्क्रैम्बल्ड एग और रोटी फॉर द 10th टाइम। अब तो लोगों को उठ जाना चाहिए, अब तो 4 बज गए। चलिए जी, सहरी शहरी सब हो गई है। फॉर सम वियर्ड रीजन आई फील a sore throat coming up and I don't want it. क्या बोल रहा? मुझे भी हो रही है। yes, मैं जब कुछ बोलती हूँ ना कि मुझे ये हो रहा है, लीजा हाँ मुझे भी हो रहा है, कभी इसने मुझे किसी और को अपने अलावा अटेंशन लेने देना ही नहीं है। तो खैर, आई एम गोना गो टू स्लीप ना, और उठ के फिर मुलाकात होती है आप लोगों से और आप लोगों को इफ्तारी की तैयारियाँ और एक मैक्रो ट्रैक वेरी यमी रेसिपी भी दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हम लोग उठ गए हैं, अभी 1 बज रहा है, तो मैं सबसे पहले जल्दी से नहा के तैयार होकर नमाज़ पढ़ूंगी। और मैं भी बोलने वाली थी कि मैं सबसे पहले अपनी कॉफ़ी बनाती हूँ, इट्स गोना टेक सम गेटिंग यूज्ड टू। और मैंने जो है चिकन निकाल दी है डिफ्रॉस्ट होने के लिए। मैं आज जो है अपने लिए वही बना रही हूँ जिसकी मैं रेसिपी ऑलरेडी दे चुकी हूँ, द कॉर्नफ्लेक क्रस्टेड चिकन विद बारबेक्यू सॉस।
तो वो मैं फिर से भी बता दूंगी बिकॉज आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर किस व्लॉग में थी वो रेसिपी. एंड इट्स रियली रियली नाइस. कल किसी ने इंस्टाग्राम फॉलोअर्स में से पोस्ट की हुई थी तो मुझे उसको देख के याद आया कि ये बना लेती हूँ, ये खाने का दिल चाह रहा है. तो आई मेक अ रैप आउट ऑफ इट दिस टाइम. तो उसकी रेसिपी आप लोगों को बताऊंगी. और अभी जो है बस मैं नहा के तैयार हूँ. गैस नहीं आ रही था, देखें इतने वाइटल टाइम पे, क्रूशल टाइम पे गैस चली गई है. सो खैर, तो आई एम गोइंग टू टेक अ शावर एंड गेट रेडी एंड प्रे. और फिर हम लोगों को कुछ चीज़ें लेने के लिए जाना है रमज़ान के लिए, तो वहाँ भी जाते हैं. ये 50 ग्राम कॉर्नफ्लेक्स हैं, मैंने जो हैं फौजी के यूज़ किए हैं. ठीक है, यू कैन यूज़ एनी दैट यू लाइक. इनको हम इस जिप लॉक बैग में डाल के मोटा मोटा क्रश करेंगे. ठीक है, इस तरह से इतना कोर्स रखना है आपने, बिल्कुल फाइन नहीं करना है इसको. मैं तैयार हो गई हूँ नहा के. और ये जो है मैंने वो ड्रेस पहना है जो डैडी मेरे लिए लाए थे कराची से, बीच ट्री का अनस्टिच. तो ये मैंने सिलवाया था और आज पहना है पहली दफ़ा. मैं पूरा भी दिखाती हूँ. ये देखें, दिस इज़ दी होल आउटफिट. ये इसके गले पे बहुत प्यारी सी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है. एंड मैंने सोचा कि पहले रोज़े पे कोई अच्छा सा नया जोड़ा पहनूँ. कैसी चल रही हैं भाई तैयारियाँ? ज़बरदस्त चल रही हैं. ये आप एक बात बताएं मुझे, करेले की भुजी में आपने इफ्तार में बना ली? पसंद है ना, अनिया को पसंद है. मुझे तो नहीं पसंद बिल्कुल भी. इसलिए मैंने कहा मेरी बहू को पसंद है तो चलो मैं करेले बना लेती. करेले रखे हुए थे तो मैंने कहा फ्राई कर लेते. अच्छा, हम जा रहे हैं फ्रूट्स फ्रूट लेने. आपको बस टमाटर चाहिए और आपको और वो जैलपीनोज चाहिए? हाँ वो चाहिए. और अगर देसी रसम के बाद अच्छा हो के ना, हाँ अंदर से ख़राब ना हो ना, हाँ ऊपर से अच्छा हो बिल्कुल क्वालिटी, हाँ. तो फिर ले लेना एक किलो. सही है. और कुछ मुझे डी वॉटसन से चीज़ भी लेनी है, तो अगर डी वॉटसन से आपको अभी इफ्तार के लिए कुछ चाहिए? हाँ, वो रात में तो चले जाएंगे ग्रोसरी. वहाँ से वो पता कर लेना, वो पफ, वो पफ पेस्ट्री वहाँ नहीं मिली ना. पफ पेस्ट्री या रोल पट्टी? रोल पट्टी नहीं, पफ पेस्ट्री. ठीक है, ओके डन. थोड़ी सी चेडर चीज़ ले लेना. चेडर चीज़, ओके ओके बाय. अब हम अली का वेट करें कि वो आए, क्योंकि मैं जा रही थी. ही इज़ लाइक मैं भी चलूँगा साथ में. लाइक ओके, फाइनली गाइज, फाइनली अली हमजा ने निकाल दिया. निकल गए हम लोग. ठीक है ना, अभी I was busy doing my skin care. हाँ, स्किन केयर हो रही थी भाई. स्किन केयर अब सर ने AM स्किन केयर भी शुरू कर दी है, नॉट जस्ट PM स्किन केयर. मैंने बोला भाई देखो, आदमी भी कर सकते. तो मैं ये बेड़ा उठाता हूँ और मैं खुद करता हूँ और मैं ये अब करना स्टार्ट कर देता हूँ. तो खैर, हम लोग जा रहे हैं जलरेज. अभी हम लोग रमज़ान ग्रोसरी जो हमें करनी थी वो नहीं करे, बिकॉज़ वी डोंट हैव इनफ टाइम. 4:40 हो रहे, 5:30 तक आई हैव टू बी बैक होम. मुझे सिर्फ अपने इफ्तार के लिए ग्रीन एप्पल्स लेने थे और दो तीन और चीज़ें लेनी थी डी वॉटसन से. और कल आज जो कल सहरी होगी उसमें मैंने सबके लिए मशरूम चीज़ ऑमलेट बनाना है, तो उसके लिए मशरूम्स और चीज़ भी लेने थे डी वॉटसन से. और शुगर फ्री जो है मुझे कोई स्क्वाश वगैरह ढूंढना है फॉर मी एंड अलीज़ इफ्तार. तो हम लोग जलरेज जा रहे हैं और वहाँ से पीना है ना इफ्तार में. तो मुझे लीमू और वो स्टीविया यार, मुझे अभी मैं एक दफा इफ्तार रोजा खोल के बना के अमाउंट्स देख लूं फिर बना दिया करूंगा. पहले लेमन वाला कर लूं. हाँ? आज लीमू पानी जानू, मैं वही तो बोल रही हूँ. आज लीमू पानी नहीं, कि आज स्क्वाश बना पी लो. हाँ, कल तुम स्क्वाश बना लो, मैं लीमू पानी कर लेता हूं. तो फिर तुम वो खुद बना लो. मैं तो मैं यही बोल रही हूँ कि मैं एक दफ़ा रोज़ा खुल जाए तो टेस्ट करके अमाउंट्स देख लूँ ताकि. अच्छा नहीं लगता ना. अच्छा फिर कुछ और ढूंढ लेंगे. तुम्हारा लीमू पानी बहुत अच्छा है. अच्छा फिर रोज़ा खुलने के बाद तुम पानी पी लेना, तो मैं तुम्हें फ़ौरन से बना दूँगी ताकि मैं टेस्ट कर लूँ. ठीक है ना, बिकॉज़ वरना मुझे नमक ज़्यादा हो जाता है, बिकॉज़ मुझे नमक बहुत पसंद है. तो बस रोज़े में चख सकते हैं. हाँ बट लाइक फिर भी इतना आइडिया नहीं होता और मुझे पता नहीं क्यों लाइक इतना वो नहीं होता, लाइक समझ नहीं आता. तो खैर, अभी हम लोग जा रहे हैं चीज़ें लेने के लिए और फिर वापस आके मुझे जल्दी से इफ्तार बनाना है. टुडे इफ्तार इज क्रिस्पी चिकन रैप विद पार्मेजान चीज़ एंड बारबेक्यू हनी सॉस एंड एयर फ्राइड फ्राइज. आ हा हा हा, इतनी तुम्हें गोरमे सर्विस मिलेगी कहीं? इसका बोलने का मतलब है कि मैं सिर्फ रमज़ान में करती हूँ. इतनी गोरमे तो रमज़ान में आती, वैसे गोरमे होती तुम सोचो, मेरा एग्ज़ाम है. सही है, मेरे पास बस रमज़ान का ही महीना है. रमज़ान ख़त्म होते ही मैं जा रही हूँ और फिर भी मैं तुम्हारे लिए इतना टाइम निकाल के कर रही हूँ. यू शुड बी थैंकफुल. भाई इस्लामाबाद जैसे व्यूज़ जो है ना कहीं नहीं है भाई, नो वेयर. इट इज़ ट्रूली द मोस्ट ब्यूटिफुल सिटी.
पहाड़, ये देखें ग्रीनरी, कराची लाहौर वाले वॉर से देखें ग्रीनरी यार ग्रीन पत्ते इस्लामाबादी हो गई हूँ मैं सही वाली अपनी अब तुम्हें समझ आया मैं अपने शहर को शेम कर रही हूँ First stop hamara D Boston. Done with the shopping and I got a little after iftar snack for myself. Now time for my favorite shop, Jalrez. Yay! क्योंकि imported fruit मिलता है. जी नहीं. Local fruit पसंद नहीं है. जी नहीं. फिर imported fruit. जी नहीं. मुझे इतना snob नहीं दिखाओ के. तुम स्नॉब हो मैं स्नॉब नहीं हूँ स्नॉब हो मैंने पेरी बाइट्स बनाने हैं तो उनके लिए ये बड़ी वाली मिर्चें लेनी है मेरे एप्पल्स ले लिए तुमने और मशरूम्स भी लेने हैं और लेटस लेना है लेटस 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 और ये लेटस हम लोग आ गए और ये सही इफ्तार की हबर तबर चल रही है और मैं ये इमली आलू बुखारे का शरबत लेके आई हूँ बनाने के लिए ट्राई करूँ बहुत ही इंट्रीगिंग लग रहा था जल्दी से ये बना के फ्रीजर में रखूँ ताकि ठंडा हो जाए और फिर मैं जो हूँ अपनी चिकन कोट करना शुरू करूँ ये हमने जो है अपने कॉर्नफ्लेक्स में जो है नमक काली मिर्च लाल मिर्च और पेपरिका डाल के इसको मिक्स कर दिया अब अम्मा ने जो है हमें सजेस्ट किया है के बजाय इसके कि एक एक करके चिकन को कोट करें चिकन पे वो लगा के इसी में डाल के इसको शेक कर लें तो अम्मा का कहना है कि ये हो जाएंगे कोट जबरदस्त उस पर एग वाइट लगाओ ना हाँ एग वाइट लगा के डालो हाँ, वो चिपक जाएगी ना अच्छे तरीके चलें ओके ट्राई करते हैं ये तरीका ये तो अम्मा का एक्सपेरिमेंट काम कर गया मैंने इसके अंदर चिकन डाल के शेक शेक की और ये तो बहुत अच्छी कोट हो गई वाह और नसरीन मुझे बोलिए कि आप क्यों अपने कपड़ों से हाथ साफ किए जा रही हैं टिश्यू लें ये मैंने 60 ग्राम टॉर्टिया में लेटस और एक स्लाइस चेडर चीज़ का डाला है ये हमारी सॉस बन रही है इसमें 40 ग्राम बारबेक्यू सॉस है और 13 ग्राम हनी और इसमें थोड़ा सा लेमन जूस डालेंगे और ये हमारे चिकन टेंडर्स जो हैं एयर फ्राई हो गए हैं सो बस अब इसको असेंबल करना है ये रहा अपने हमारी चिकन आ गई सुपर क्रिस्पी अब इसमें सॉस डालते हैं वेजी रैप का फाइनल लुक और रोज़ा भी खुल गया है अजान भी हो गई है रोज़ा भी खोल लेगी बस अली का टोस्ट हो रहा है कैसे रैप रैप कैसे फॉर्म हो जाएगा सीरियसली इफ्तारी टाइम अरे शरबत नहीं अच्छा नहीं अच्छा शरबत ट्रॉपिक ऑन स्लिम वाला चेस करो तो मेरा आलू बुखारे वाला भी इतना अच्छा नहीं ट्राई करो है ना कोई टेस्ट ही नहीं आ रहा आलू बुखारे का इसका टेस्ट करो किसका नहीं तार की टेबल खाली हो चुकी है गाइस आपको अगर बता सकता ना कभी तार की टेबल खाली हो चुकी है एंड फोन धस नीचे गिरा नीचे नहीं गिरा मेरी गोद में गिरा है ओके इफ्तार की टेबल खाली हो चुकी है एंड मी एंड अली हमजा आर द लास्ट मेन स्टैंडिंग स्लो हो गए बस या हम स्लो हो गए और रैप मैंने सिर्फ इतना से ही खाया अभी तक इफ्तार के फौरन वक्त मुझे खाया खाने का दिल डिसअपॉइंट कि मैं लीमू पानी मैं लीमू पानी तुम्हें कल से बना दूंगा पक्का हां अम्मा कह रही लीमू में रस नहीं आ रहा नहीं नहीं आ रहा है रस मैंने बारबेक्यू में तो उसने यूं निचोड़ के भी दिखाया था रस था उसमें है रस है और ये वाला जो टाइम होता है ना बड़ी सुस्ती चढ़ती है आई थिंक आई एम गोना टेक अ नैप सेम बट बिफोर अ नैप आई मिस यू अली रीयूनाइटेड विद हिज कॉफी मशीन गाइस ये आप तब तक नहीं समझ सकते जब तक आपको एस्प्रेसो से प्यार नहीं हो जाता तो तुम नैप लेने से पहले खाओ पियोगे जिम जाने से पहले पीना ना मैं तो पहले फिर पी लूंगा नहीं मेरी कोल्ड ब्रू भी बड़ी अच्छी है नहीं नहीं तुम कब से मुझे अली मुझे कब से अपनी कोल्ड ब्रू बेचने की कोशिश कर रहा है मैं उसको बता रही हूँ मुझे नहीं पीनी भाई मुझे एक बात बताए वही कोल्ड ब्रू का एक ग्लास आपको बाहर 700-800 रुपए का मिलता है मैं बाहर भी ना लूँ 700-800 का मैं घर पे पीनी इतना अच्छा बनाया ये पी नहीं रही मतलब ये कहाँ का इंसाफ है ये ऐसा ही हुआ जैसे ये खाना बनाए और ये बोले अली प्लीज खा लो और मैं हफ्ते से मिलते कैसा लगेगा नहीं मैं तुम्हें कोई मिलने दे तो बेशक ना खाओ अच्छा मेरा काम आसान होगा ले लो। नहीं।
अब ज़रा चिल टाइम है बिफोर वी हिट द जिम, तो आई एम गोइंग टू प्रॉब्ली रेस्ट एंड टेक अ नैप फॉर, ये बिस्किट को सुन लो, उसका खाने का टाइम हो गया. बिफोर वी टेक अ नैप फॉर, बिफोर वी हिट द जिम आई एम गोइंग टू टेक अ नैप फॉर हाफ एन आवर, क्विक पावर नैप, फिर अपनी कॉफ़ी पीऊँगी, फिर जिम जाएंगे. बिस्किट की खाने की एक्साइटमेंट देखें ज़रा, ये देखें. आज इसको देख के लगता है कि हम लोग इसको भूखा रखते हैं, खाना ही नहीं देते कुछ. भाई ये मम्मा जो है बिस्किट के लिए हार्नेस लाई थी, इसको थोड़ी सी बड़ी है बट गेट्स द जॉब डन. अब इसको हम लोग जरा हार्नेस पे वॉक कराने की ट्रेनिंग कर रहे हैं. सो टुडे इज हिज फर्स्ट डे एंड ही इज नॉट वेरी एक्साइटेड. इन वाइल वेटिंग फॉर अली हमजा टू हैव हिज कॉफी. सुकून से पीने ना देना. सुकून से ही पिए तुमने. ये चाह रही कि मैं पानी के तरह से कट 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 करके पी रहा, मतलब इट्स एन एस्प्रेसो शॉट, जस्ट ड्रिंक अप हनी. इतना सा है तो थोड़ा तो टाइम दो ना मुझे पीने के लिए. मैं जा रही फिर. अच्छा आ रहा हूं, आ रहा हूं. नहीं मैं जा रही हूं, मैं जा रही हूं. बाय बाय बाय. आ बेस्ट वे टू गेट योर हस्बैंड्स अप. मम्मा को भेजती हूँ वीडियो. क्या मम्मा को वीडियो भेजती हूँ, क्योंकि हम इसको जब भी वॉक कराते हैं. बिस्किट को भाई वॉक करा के आ गए. अब मैं ज़रा सुपर नेचुरल देख रही हूँ. अली अपनी वीडियो शेड्यू एडिट कर रहा है, फिर हम लोग जिम जाएंगे और फिर जिम के बाद हमें ग्रोसरी करने जाना है. रमज़ान का ये फ़ायदा होता है हर चीज़ देर देर तक खुली होती है, तो जिम भी आज 2 बजे तक खुला हुआ है, ग्रोसरी की दुकानें भी 2 बजे तक खुली हुई हैं. सुपर फन. As we're all set to go to the gym. In other news, आप लोगों की वेरी रिक्वेस्टेड ख्वाहिश पूरी हो गई एंड हमना इज फाइनली ऑन यूट्यूब. लोग उसके सबसे बड़े फैन, उसकी वीडियो जो है टीवी पे. मेरा बेस्ट काम है इसको एम्बैरेस करना, और मैं अभी इसकी वीडियो उसके सामने लगा के उसको तंग कर रहा हूं. हाँ हम लोग उसकी सिनेमन रोल्स की वीडियो देख रहे हैं लाउंज में बैठ के. माशाल्लाह माशाल्लाह सारे यूट्यूबर्स हो गए हैं. हम ना एम्बैरेस्ड. अरे शक्ल दिखाओ ना उसकी, वो आएगी तो फिर ना पीछे वाली को, पीछे करो ना. पाउडर शुगर नहीं आएगी आगे. शुगर गाइस प्रोडक्शन क्वालिटी देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह. अपनी इंस्टेंट यूज को एक्टिवेट कर सके. गाइस हमना का जो शुगर का आर है ना, वो शुगर को शुगर हो गया था कैमरे में. शुगर शक्ल का आएगी. अब मैं इसमें ऐड करूंगी 2x. यार मैं बोर हो रहा हूं, मैं आगे कर रहा हूं. ये मुझे जैसे शक्ल आएगी ना, देख रहे हो ना हमें यार. एक मिनट. हां ये पीछे. हां एक मिनट. अब मैं किचन टॉवल को यूज करूंगी और इसको हम कवर करेंगे. ये तो रोटी वाले कपड़े हैं ये किचन टॉवल से. You don't want to miss out on the best recipes ever. मैं हमना के चैनल का लिंक नीचे अपनी डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी. प्लीज फॉलो, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड सपोर्ट आवर वेरी शर्मीली गर्ल हु फाइनली गॉट द करेज टू कम अप ऑन यूट्यूब एंड क्रिएट द बेस्ट रेसिपीज फॉर यू ऑल. गाइस अब आप लोगों को दिखाते हैं मंबल बिस्किट की. तो आपको हालत दिखाई थी खाने से, मंबल की भी जेनी से हालत देखिएगा. जेनी से मंबल छोड़ो यार क्या देना है? दो ना जल्दी, बेचारी वेट कर रही है. ये साहब को कुछ ज्यादा ही सर्दी लग रही है, इतनी मोटी जैकेट पहन के आ गया. अम्मा को देखे 16 डिग्री हो रहा है. हाँ सही है. थोड़ी देना ली, सारी ना डालना. नहीं ली, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है. जल्दी से पेट खराब होता है. चलें जी, आई एम ऑल सेट फॉर द जिम. आज इस्लामाबाद में अनएक्सपेक्टेड ठंड हो गई और इसको तो कुछ ज्यादा ही लग रही है. इतनी मोटी लग रही है, इतनी मोटी जैकेट. आई हैव माय प्री वर्कआउट रेडी और आई एम एम्प्ड अप टू गो टू द जिम. वैसे मजे की बात है,
वेरी वेरी बिग शाउट आउट टू सपोर्टिव एंड हस्बैंड्स दैट पुश यू एंड मोटिवेट यू. मेरी जो है ना बहुत फुल फुल हो गया था तो मैं लेट गई थी बिस्तर में तैयार, एंड आई वाज लाइक मैं नहीं जा रही जिम. और अली आया एंड ही इज लाइक हैव टू गो, यू हैव टू गो, यू हैव टू गो, एंड आई गॉट अप. 2 बजे बंद हो गया रमजान में जिम. ओके कूल. और ये देखिए जेली खा के बैठी है, जेनी खा के फुल हो गई है. अभी चिकन है, ये मुर्गी बन जाती है. थैंक्स फॉर पुशिंग मी, लेट्स गो. ओके तैयार हो जो सलवार कमीज में जाओगे. हां कर रहा हूं जेनी. चले जी गाइस, वी हैव फाइनली लेफ्ट फॉर द जिम एट 12 AM बिकॉज़ ऑफ दिस गाय. 11:35 हो रहे हैं, 12 नहीं बजे अभी. 11:35 पे ये मैंने बोला था ना, फायदा है कि हम रमजान में जो है जिम्स 2-2 बजे तक खुले होते हैं. ऑल्सो मैं और हमना बिस्किट को वॉक कराने के लिए ले गए थे, इसलिए भी थोड़ी सी देर हो गई. ऑल्सो आज भी हमारी ग्रोसरी नहीं हो सकेगी बिकॉज 1 बजे बंद हो जाएंगी, तो आई थिंक इतना तो टाइम हमें जिम में ही लग जाएगा. बट मैं आज जो है थोड़ा मिक्स्ड वर्कआउट कर रही हूँ वेट्स के साथ एंड देन कार्डियो, तो थोड़ा सा आप लोगों को भी दिखाऊंगी करके कि व्हाट माय वर्कआउट रूटीन्स लुक लाइक. अब मेरा प्लान है कि रमजान में जो है मैं थोड़ा सा फिटनेस जो है आप लोगों को अपना रूटीन दिखाऊँ. सो आई हैव शोन यू व्हाट आई ईट इन सहरी एंड आई हैव शोन यू व्हाट आई एट इन इफ्तार, और मैं आप लोगों को डिनर भी दिखाऊंगी और अपनी वर्कआउट रूटीन्स भी इंशाल्लाह रोज दिखाने की कोशिश करूंगी. सो स्टे ट्यून्ड. दैट इज मेनली आल्सो बिकॉज़ मैंने ये नोटिस किया है कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल थिंक दैट वी ईट क्रैप ऑल द टाइम. हम सारा टाइम बाहर खाते हैं, मतलब बेसिकली हम जो आपको एक प्रोपोर्शन दिखाते हैं फॉर एग्जांपल बाहर खाने का, तो मे बी वो शायद हम 2 दिन में या 3 दिन में एक मील आपको दिखाते हैं. एंड प्लस उसके अलावा अगर हम जैसे खाते भी हैं तो द चॉइसेस वी मेक ईटिंग आउटसाइड आर सेफ एंड वी ट्रैक मैक्रोस. And अगर आपको for example, also I feel like because we've been at this for so long, तो हम लोग कुछ बाहर भी खाते हैं, घर का सालन रोटी भी खाते हैं, तो हमें exactly पता है कि उसको किस तरह से track करना है, फिर बाकी दिन कैसे. Honestly, आप लोग for example, you know, let's say ये wide angle camera है, ठीक है, जो मेरे मुंह के अंदर ठुसा हुआ है, जो कि जाहिर सी बात है, which is going to make me look big or fat or huge or whatever you want to call it. A lot of people, you know, whoever I meet. Would never ever tell me that I'm fat. And ये मैं क्योंकि इसलिए बोला क्योंकि ये comments कुछ आते हैं तो मैं कब बता दूँ यार, मतलब नहीं खाते भाई बाहर का इस तरह से. हमारी डाइट स्पेसिफिक होती है, ठीक है. नाउ माई वर्कआउट गोल्स, माई डाइट गोल्स डिपेंड, ठीक है. देर आर डेज वन आई एम लोडेड, वन आई एम लोडिंग कार्ब्स, देन देर आर डेज वन आई एम डिप्लीटेड. सो ये चीज़ें मैं हर दफ़ा नहीं बताता बिकॉज ये बहुत रगड़ा हुआ हो जाएगा बार बार बताना कि ये किया वो किया ये किया, और आप लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है. ट्रस्ट मी, आप लोगों को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होगी इसमें. तो मैंने कहा क्या दिखाऊंगा, इससे बेहतर ये है कि मैं चुप करके जो हम कर रहे हैं फन चीज़ें अपने दिन के पार्ट की आपको दिखाएं, बाकी बोरिंग पार्ट आपने क्यों देखना. तो खैर ये था बेसिक पॉइंट. तो भाईजान देखें, अगर 11:30 बजे भी जिम जा रहे हैं तो ये कोई हमारी मोटिवेशन नहीं है, ये मोटिवेशन नहीं है, ये हमारी डेडिकेशन है. सामने आप देखें कोई गाड़ी आपको नजर आ रही है, ये एक गाड़ी के अलावा आपको गाड़ी नजर नहीं आ रही. हमारे आई फील लाइक द जिम विल बी क्राउडेड रमजान में नॉर्मली. इस टाइम जिम रश होता है. चलो देखते हैं गाइस, देखते हैं. मैं लगी शायद आई थिंक होगा रश. ऑल्सो गाइज, इन आप लोगों को जो है आज अम्मा ने मुर्ग छोले बनाए हैं, तो मेरा प्लान है कि मैं सहरी में वो खाऊंगी. तो आप लोगों को दिखाऊंगी कि घर का खाना जब खाते हैं तो मैं किस तरीके से ट्रैक करती हूँ. सो यू विल ऑल्सो हैव एन आइडिया कि अगर आप लोग यू नो यू डोंट ऑलवेज हैव टू बी 100% ट्रैकिंग, अगर आप लोग थोड़ा बहुत भी लाइक यू नो मैं तुम्हें बोल रही थी, थैंक यू. तो अगर आप लोग थोड़ा सा भी ट्रैक करते हैं तो उसको थोड़ा सा भी यू नो ट्रैक कर लें तो दैट ऑल्सो मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस. तो मैं आप लोगों को मुर्ग छोले और नान सहरी के लिए मैं किस तरह से ट्रैक करूंगी वो दिखाऊंगी. सो स्टे ट्यून्ड. हमें अपने जिम के बारे में बहुत फ्रेंडली सी डॉग मिली है, छोटी सी फ्रेंडली सी डॉग. अभी हम लोग इसके लिए सोचा कि जिम को जरा वेट करा के हम लोग जल्दी से डॉग फूड ले आए. We are here at D Watson to quickly grab some dog food and then hit the gym because priorities. So हमारा usual woof तो नहीं है यहाँ पे, थोड़ा improvise करना पड़ेगा. So आज के लिए हम लोगों ने ये ले लिया, ये 1 किलो आज का तो निकल जाएगा and then tomorrow we'll get woof. So our gym doggo has been fed, which I don't think he's really enjoying it. Yeah, I don't think he likes it. क्या हुआ? आपको खाना नहीं अच्छा लगा? आप चूजी पिकी डॉगो हैं पिकी डॉगो. चलिए जी, हम लोग आ गए हैं जिम और अब देखते हैं अली हमजा से ड्रश नहीं होगा बिकॉज मैं रमजान में पहले बहुत लेट जिम जाती थी. सो आई नो इसका बहुत बायोमेट्रिक वाला भी सिस्टम निकालो, अगर अटेंडेंस लगानी है रोज. तुम लगा रहे हो ना? तुम्हारा भी तो करना है उसने. अच्छा, तो अभी देखते हैं रश.
You were saying? मेरा वेट कर रहे थे। So done with the gym guys और I'm sorry मैं record नहीं कर सकी, मुझे ज़रा social anxiety बहुत ज़्यादा है, मुझे अजीब सा लग रहा था camera रख के। मैंने अली को बोला था कि मेरी video बना ले, but वो अपने workout में इतना मगन था कि वो एक दफ़ा भी मेरे पास आके उसने पूछा नहीं कि बना लूँ video। Guys असल में हमारा बड़ा strict code of conduct होता है कि हाँ, we are very disciplined in the gym। हम लोग जिम में ऐसे होते हैं कि भाई मैं तुम्हें नहीं जानती, तुम मुझे नहीं जानते, we are not husband and wife and we just like do our own thing। तो खैर अम्मा ने मूंग छोले बनाए हुए थे, मैंने अली को बोला जरा एफ टाइम में चेक कर लो, अगर वो अफगानी तंदूर खुला हुआ है जिसके पास अफगानी नान होता है तो मैं जरा उनके साथ अफगानी नान ले लूँ। खुला हुआ है। चार पाँच ले लो। तो वो इतने बड़े बड़े होते हैं, इतने बड़े इनके उतने बड़े नहीं है, बस लाइक काबुल टाइप के हैं। अली खा लेंगे सब, रात में शाम में भी यूज़ हो रहे। तो खैर लोग अफगानी नान सेंटर आए हैं F10 में टू गेट अफगानी नान विद द मुर्ग छोले। और मैं जो एक काम करूँगी कि घर पे अली के पास डंबल्स पड़े हुए, तो मैं क्विक सा आप लोगों को गो थ्रू करके दिखा दूंगी कि मैंने जिम में क्या किया। कार्डियो मैंने 35 मिनट्स किया है, और क्या कहते हैं बाकी जो वेट्स के साथ मैंने किया मैं घर जाकर आपको दिखा दूंगी। तो हाउ डिड योर डाइट डे गो? वो छोड़ा, मैं तंदूर वैसे खड़ा था, एक बंदा खड़ा हुआ था वहाँ पे, वो भी नान ले रहा था, उसने मेरा आर्म पूरा पकड़ के कहता टाइट, बहुत टाइट है। सीरियसली? ये तो तुम्हारा दिल फट गया होगा खुशी से। नहीं यार, बॉयज करते रहते हैं। तुमने तो बोला था बॉयज की तारीफ ज्यादा अच्छी लगती है, तो तुम क्या चाह रहे हो तुम्हें कोई गर्ल करे? अच्छी तो लगती है लेकिन जिम में चलते, मतलब वैसे रोड पे थोड़ी टाइट, ये थोड़ी अच्छा लगता है। क्यों? लेकिन हाँ मतलब फील तो अच्छा होता है कि यार ओके शुक्रिया भाई, थैंक यू। मेरा जो डाइट डे था दैट डिडंट गो एज आई एक्सपेक्टेड, बिकॉज अम्मा ने जो है पता नहीं कहाँ कहाँ से फूड PRs मंगवाए हुए थे। एक कोई उज़्मा किचन है इंस्टाग्राम पे, वहाँ उन्होंने उनको फ्रोजन फूड्स भेजे थे, ठीक है ना, समोसे और स्प्रिंग रोल। नहीं, उज़्मा किचन लाइक उनका इंस्टाग्राम का यूजर नेम उज़्मा किचन, एक उज़्माज़ किचन कोई और है, उज़्मा किचन। उफ, दे वर सो गुड, सो गुड कि हम सबका हाथ ही नहीं रुक रहा था उन पे। मैंने तो कोई चलते फिरते इतने खा लिए, बहुत ज़्यादा मज़े के थे। फिर उसके बाद कोई मिठास है, पेज मिठास बेकर, होम बेकर, उन्होंने बनाना ब्रेड भेज दी, और मैं बनाना ब्रेड की वैसे इतनी बड़ी फ़ैन हूँ, तो मैंने बनाना ब्रेड की भी दो स्लाइसेस खा लिए। सो ओवरऑल नॉट अ ग्रेट डाइट डे, बट इंशाल्लाह टुमारो वी विल परसेवियर एंड टुमारो वी विल बी बेटर। कल से जो है मैं ओत लूंगी सुबह उठते ही कि मैंने फ्राइड आइटम्स टेबल से नहीं खाने। दिस इज़ व्हाट आई यूज्ड टू डू पहले व्हेन आई वाज सो सक्सेसफुल इन माय डाइट, कि मैं जो ना सुबह उठते ही सहरी के वक्त ओत ले लेती थी कि मैंने कुछ भी अपनी ट्रैक चीज़ों के अलावा नहीं खाना। सो खैर, एंड देन आई गॉट फ्रोजन समोसे एंड पकौड़े, समोसे एंड रोल ऑल्सो, तो वो मैं खुद एयर फ्राई कर लूंगी, तो इंशाल्लाह मुझे वैसे ही दिल नहीं करेगा कुछ ना कुछ खाने का। सो इंशाल्लाह टुमारो वी विल बी बेटर। मैं घर जाके आप लोगों को जरा क्विक सा वर्कआउट दिखाऊंगी, और फिर उसके बाद जो है हम लोग सो जाएंगे। और मैंने सहरी में मुर्ग छोले और अफगानी नान कैसे ट्रैक किया वो मैं आपको कल की वीडियो में दिखाऊंगी, बिकॉज वन सहरी वन इफ्तारी एंड देन द रेस्ट ऑफ आवर डे। तो कल से नई वीडियो शूट करेंगे हम। गाइस अफगानी नान सेंटर इस तरह से लगता है, मतलब एक नॉर्मल तंदूरी होता है, लेकिन सरप्राइजिंग फैक्ट मैंने भी इनसे पूछा है कि इसमें ये फाइन आटा यूज करते हैं, फाइन आटा होता है जो मैदा होता है, जो बेसिकली वाइट आटा जिसको बोलते हैं। तो कहते हैं नहीं भाई, आपने क्या बोला मुझे अभी जी? क्या आप आटा कौन सा इस्तेमाल करते हैं? लाल आटा है ये, चक्की वाला ना? जी हाँ। मैदे के लिए क्या कह रहे थे आप? ये मैदे की ये सही ही होते, फाइन आटा नहीं होता, हाँ। ये प्लास्टिक की तरह होते, ये जी है वही ना, ये सही है, जबरदस्त। और ये आप देखें, ये होल व्हीट है यार, कंप्लीटली होल व्हीट। दो दिन भी रह जाए ना ये उस रन में, मोटा नहीं है, कलर नहीं होते, ये रबड़ नहीं बनेगा। नहीं नहीं, सही है, बस ये हो गए ना, दो हो गए, तीन ही थे, तीन जी। गाइस ये देखें, इसका साइज इतना होता है, ये मेरा हाथ है, और ये आप देख सकते हैं कितना फर्क है। पैक कर दें। नहीं ना कटें, बल्कि एक सेकंड पूछने दें यार, बहुत बड़ा है वैसे, कटवा दूं? नहीं, श्योर? बस ये ऐसे ही डाल दें, पता नहीं आता भी ऐसे शॉपर में कि नहीं। हाँ, आ गया। चले शुक्रिया, ये लो। अब साइज देखो गाइस, अनिया का साइज देखें और ये नान का साइज देखें, कितने मजे का यार, फ्रेश। गाइस आप लोगों ने मुझे नॉर्मली देखा होगा कि मैं जो हूँ बहुत एक
लूज हेयर स्टाइल बनाती हूँ. सो इवन इफ आई एम इन अ पोनी और इफ आई एम इन अ बन या मेरे बाल खुले हुए हैं तो आई प्रेफर कि यू नो बहुत ढीले हो. सिर्फ जिम जाते हुए मैं एक टाइट पोनी बनाती हूँ बिकॉज ऑब्वियसली वहाँ पे बाल मैनेज नहीं होते, यू कांट जस्ट लीव देम ओपन. बट ये बात जो है बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती है कि इस तरह से लॉन्ग टर्म टाइट पोनिया और हेयर स्टाइल बनाने से एलोपेशिया होता है विच इज़ कॉल्ड ट्रैक्शन एलोपेशिया. सो यू विल सी यहाँ से कुछ लोगों के जो है जो लोग बहुत टाइट हेयर स्टाइल्स बनाते हैं उनके यहाँ से बाल उड़ना शुरू हो जाते हैं. इसलिए Why do you feel तुम्हें कौन सा अट्रैक्शन होता है? मुझे हो रही है अट्रैक्शन यहाँ पे. तो क्या चलो मेल पैटर्न बॉल्डनेस एंड एवरीथिंग इज डिफरेंट बट इन विमेन ये जो खेच के यू बाल बनाते हैं और लॉन्ग टर्म बनाते हैं बहुत ज्यादा बनाते हैं उनमें ये होता है कि यहाँ पे जो है पैची बॉल्डनेस शुरू हो जाती है विच इज कॉल्ड ट्रैक्शन एलोपेशिया. इसलिए होती है क्योंकि खिंच रहे और खिंच खिंच के यहाँ से उड़ना शुरू हो जाते हैं बाल. सो ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता. आज मैं अभी मैं रैंडमली बैठी थी मेरे सर में थोड़ा सा दर्द होना शुरू हुआ टाइट पोनी की वजह से. मैंने सोचा कि आप लोगों को भी बता दूँ, यू नो पब्लिक सर्विस मैसेज टू टेक केयर ऑफ योर हेयर. नॉट दैट मेरे बहुत अच्छे हैं और मैं ऐसी पोजिशन में हूँ कि मैं एडवाइस दूँ, बट वट एवर आई नो आई कैन शेयर एंड दैट माइट हेल्प यू गाइस. अली वो तीनों स्टारबक्स के कप्स, अफगानी नान और अपना जिम बैग सब निकाल लेना. मैं तुम्हें ऑक्टोपस लगता हूँ. एक्सक्यूज मी. ये लो खाना. अच्छा सो गाइस 3 बज गए हैं एंड सहरी में कुछ खास वक्त नहीं है. सो आई थॉट कि मैं थोड़ी पढ़ाई कर लूँ. आज मेरी पढ़ाई नहीं हुई बिल्कुल भी. सो टाइम टू स्टडी एंड सहरी तक मैं पढ़ाई करूँगी फिर सहरी की तैयारी करूँगी. और आई एम सॉरी मैं वर्कआउट नहीं करके दिखा सकी बिकॉज आई डोंट हैव इनफ टाइम एंड राइट नाउ थोड़ा प्रायोरिटी पढ़ना है. इंशाल्लाह कल मैं जिम गई तो कल आप लोगों के लिए अपना वर्कआउट रिकॉर्ड करूँगी एंड देन आई विल गिव यू मोर डीट्स अबाउट इट. और आप लोगों से मुलाकात होती है एक अगली वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.